ये लड़की पहली बार अपने ससुराल आती है। ससुराल वाले काफी खुश होकर आरती उतारते हैं। तभी सासू माँ का नजर लड़की के पैर से गिर रहे ब्लड पे पड़ता है, तो ये काफी गुस्सा होकर बोलती है, जाओ घर के अंदर ले जाओ और इसके सारे गहने उतार देना, देखना कोई छुआछूत ना करे। जिसके बाद ये लड़की को अंदर लाकर गहना उतारने लगती है। तभी लड़की बोलती है, मेरा पेट दर्द कर रहा है और कुछ गीला गीला महसूस हो रहा है। तो ये बोलती है, हम सब जानते हैं ऐसा ही हर महिला के साथ होता है। और सासू माँ से परमिशन लेकर बैलगाड़ी पे गाँव के बाहर इस झोपड़ी में लाती है और बोलती है, 5 दिनों तक तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हारे उपयोग के सारे सामान इस थैले में है, और चली जाती है। रात होते ही गांव का लड़का झोपड़ी में झांकने लगता है। तभी लड़की का पति आकर इन सबको भगाता है और हर रोज रात को लड़की का रखवाली करने लगता है। 5वें दिन इसका दोस्त काफी पिलाकर इसे सुला देता है। इधर ये लड़की अपना भीगा हुआ कपड़ा चेंज कर रही थी, तभी लड़के का दोस्त आकर बोलता है कि हम तुम्हारे पति हैं, और झोपड़ी के अंदर आकर दुष्कर्म करने का कोशिश करने लगता है। तभी लड़का आकर अपने वाइफ को बचाता है। दोस्तों, आज भी महाराष्ट्र के कुछ जगहों पे पीरियड के दौरान महिलाओं को ऐसे ही झोपड़ी में रखा जाता है।